गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसके दो वीडियो लेक्चर के में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में पढ़े थे, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में पढ़े थे, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, परमिटिविटी, पोलराइजेशन, ठीक है, कूलम्स लॉ को हमने देखा था, जिसका फॉर्मूला था एफ बराबर 1/4 πε q1 q2 upon r² किसी मीडियम में, और एयर मीडियम में एप्सिलॉन नॉट था हमारा, और देखे थे कि किसी मीडियम में वो डिक्रीज कर जा रहा था। तो कहानी वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। अब अभी हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ लेकिन वेक्टर फॉर्म में। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में मान लो दो चार्ज रखा हुआ है, एक है आपका Q1 और एक है Q2। एक का पोजीशन वेक्टर R1 है, दूसरे का R2, और हमको फोर्स फाइंड आउट करना है Q2 पे 1 के कारण, ये फोर्स निकालना, ठीक है। तो हमको चाहिए फोर्स टू पे 1 के कारण। तो फोर्स का जो फॉर्मूला जनरल था हमारा, इन मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो K Q1 Q2 upon r² ठीक है। लेकिन जब वेक्टर हम बात करते हैं तो हम यहां पर एक पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखते हैं, यानी अगर हम F21 को एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 upon r² मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर ऑफ द डिस्टेंस। यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं हम लोग, K Q1 Q2 r² इसको लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड, यानी K Q1 Q2 r वेक्टर डिवाइड बाय r³। ये हो गया। अगर हम यहां ध्यान से देखें कि हमने 2 पर फोर्स निकाला है 1 के कारण, तो वो इस तरफ डायरेक्शन लिया गया है। वैसे ही अगर हम 1 पे 2 के कारण फोर्स निकालते हैं तो उसका डायरेक्शन जो R का लिया जाता वो इस डायरेक्शन में आता, ठीक है। अगर आप इसको यहां ध्यान से देखें इस वाले को, चलिए इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से देख लेते हैं। तो देखिए, तो R1 + R = कितना हो जाएगा R2, तो R यहां से कितना आ जाएगा आपका R2 - R1। ये कब यूज हो रहा है, इस केस में। अगर सेम हम लोग अगर 1/2 के कारण फोर्स देखते तो वहां R2 - R1 की जगह क्या होता, R1 - R2, यानी डायरेक्शन अपोजिट। तो कह सकते हैं कि F12 अपोजिट है किसका, F21 का। अगर F12 को लिखते हैं ये होता आपका R1 - R2 एज ए वेक्टर। तो हम कह सकते हैं F12 निगेटिव है F21 का, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल तो है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन भी है, ये तो दिख भी रहा है हम लोग को, माइनस इसीलिए लगा है। तो कहने का मतलब कि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, फॉलो करता है। इसको नोट करिए,
इसके बाद कुछ बातें होंगी इक्विलिब्रियम पे, चार्जेस के इक्विलिब्रियम पे कुछ बातें होंगी। इक्विलिब्रियम समझते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है? वैसा कंडीशन जब नेट फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स जीरो हो, उस केस को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो कि आप लोग का तीन टाइप का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कब? जब नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, उस केस में हम लोग उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता था? जब हम मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते थे और वो ऑब्जेक्ट, यहां तो चार्ज होगा तो वो जो ऑब्जेक्ट था, यहां पर तो चार्ज ही कर सकते हैं, तो चार्ज अपने उस पोजीशन को फिर से रिटेन कर ले, मतलब कि हमने उसको डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से और वो फिर अपने पोजीशन को रिटेन कर रहा है, तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, अस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मान लो कि अगर वो रिटेन नहीं कर पा रहा और वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाए जिस डायरेक्शन में आपने उसको डिस्प्लेस किया, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद है ना, कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले बातें करेंगे इक्विलिब्रियम की, उसके बाद बात करेंगे अस्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो कंडीशन शुरू करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम का। देखो जरा ध्यान से, मान लो दो चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, पहला केस लेके चल रहे, व्हेन बोथ द चार्जेस आर ऑफ सेम साइन, या तो दोनों निगेटिव या तो फिर दोनों पॉजिटिव। ठीक है, अब कह रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में कि प्लेस करिए तीसरा चार्ज, प्लेस करिए तीसरा चार्ज जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है, जहां पर क्या हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए। हमको ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के पास एक ऐसा चार्ज रखना है जहां पर नेट फोर्स जीरो हो। तो सबसे पहला बात क्या आता है, क्या तीसरा चार्ज इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग में रखना चाहिए या कहीं और भी हम रख सकते हैं? जो तीसरा चार्ज कहता है, प्लेस द एप्रोप्रिएट थर्ड चार्ज सो दैट चार्जेस विल बिकम इन इक्विलिब्रियम। तो अब इसके लाइन पर रखें या इसके लाइन के अलग, तो केस देख लेते हैं। पहले हम इसके लाइन के अलग रख कर देखते हैं। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, और हमने मान लो यहां Q रखा हो, तो साफ साफ यहां दिख रहा हो कि ये इसको रिपेल करेगा, सेम चार्ज है तो। मान लो अगर अपोजिट चार्ज होता तो ये अट्रैक्ट करता, चलो वो भी जो केस समझ लेंगे, मैं ये भी इसको रिपेल करेगा और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ आएगा। तो ओवरऑल ये तो कंसेप्ट यहां समझा रहा है कि नेट फोर्स जीरो नहीं हो पा रहा है। तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हम इस लाइन ज्वाइनिंग की इधर उधर तो चार्ज नहीं रख सकते, कंफर्म है? अगर हमारा ये माइनस होता
तो ये इस तरफ फोर्स लगाता और ये इस तरफ फोर्स लगाता और रिजल्टेंट नीचे आ रहा होता, बस इधर भी हो सकता था। तो ये हम कंफर्म हो गए हैं कि हम चार्ज को इस लाइन ज्वाइनिंग के हटकर नहीं रख सकते। तो अब सवाल उठता है कि लाइन ज्वाइनिंग में रखा जाए तो कहां रखा जाए, देखते हैं। लाइन ज्वाइनिंग पर ही रखेंगे तो फिक्स हो गया, लेकिन कहां वो समझते। मान लो इस तरफ रखते हैं Q1 Q2, उस तरफ हमने चार्ज रख दिया। अब क्या होगा, लाइक चार्ज विल रिपेल इच अदर, ये F1 फोर्स लगेगा और इधर ही आपका F2 फोर्स भी लगेगा और दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा इसका सम ही कहलाएगा और नेट फोर्स फिर यहां मिल जाएगा जो कि F1 प्लस F2 होगा। यानी इस केस में भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो क्या किया जाए, अब एक ही ऑप्शन बचा है, इन दोनों के बीच में कहीं रखकर चेक करते हैं कि क्या वहां जीरो हो सकता है या नहीं। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, मान लो डिस्टेंस d है और इसके बीच में कहीं हम रख रहे हैं, ठीक है, ये x और ये d माइनस एक्स। अब जरा ध्यान से देखना, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ यानी f1 इस तरफ लगेगा और ये इसको रिपेल करेगा यानी f2 इस तरफ लगेगा और वहां से हमारा आ जाएगा कि f1 f2 अगर इक्वल होता है तो नेट फोर्स जीरो होगा क्योंकि दोनों अपोजिट। तो ये एक केस है जहां इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, सोचो अगर चार्ज सेम साइन का हो, चार्ज सेम साइन का हो तो तीसरा चार्ज रखेंगे वो हर हाल में इन दोनों के बीच में कहीं रखाएगा, किधर की ओर शिफ्ट करेगा बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने का पता चलेगा, बताएंगे कि वो क्यू वन की तरफ होगा या क्यू टू की तरफ होगा, कैसे समझेंगे। लेकिन पहला भी फिलहाल तुमको समझ में आ रहा है कि जो हम चार्ज रखे हैं जो कि हमारा क्यू भी है वो हर हाल में Q1 और Q2 के बीच में होना चाहिए। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो पहले F1 और F2 को इक्वल करते हैं, इसको बाद में यूज कर लेंगे, पहले इसको मान लो R1 है, उसको मान लो क्या, मान लो है R2, ठीक है, उधर में लास्ट में यूज कर लेंगे कि R1 का वैल्यू x है, R2 का वैल्यू d माइनस x है, F1 का वैल्यू निकालो, तो F1 इसके कारण फोर्स था ना, तो k R1 स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो Q1 अपॉन Q2 R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट Q1 ठीक है। अब यहां एक चीज समझो, अगर मान लो Q1 छोटा हो Q2 से, Q1 क्या हो जाए, छोटा हो जाए Q2 से, इसका मतलब ये छोटा हो गया है, Q1 Q2 से छोटा मतलब ये Q1 बटा Q2 एक से छोटा, ध्यान से समझना, Q1 अपॉन Q2 क्या हो गया, एक से छोटा, तो रूट भी एक से छोटा होगा, तो उसका मतलब क्या हो गया कि R1 अपॉन R2 भी एक से छोटा, तो R1 छोटा होगा R2 से। तो हम यहां ये चीज कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है वो शिफ्ट किधर करता है, जो छोटा चार्ज है, ये चार्ज किधर शिफ्ट करता है, जो छोटा चार्ज है, यानी कह सकते हैं कि हेंस थ
थर्ड चार्ज विल केप्ट नियरर टू अ स्मॉलर चार्ज. थर्ड चार्ज कहां रखा जाता है? नियर टू अ स्मॉलर चार्ज. क्लियर है? हम भले बोलते हैं कि बताएंगे सबसे पहले कि चार्ज किधर रखेंगे, तो ये तो समझ में आ रहा है हमको. और एक ये फॉर्मूला को याद रखना होगा, ये थोड़ा सा आपको बहुत आगे हेल्प करेगा. जब हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहेंगे तो वहां आपको ये हेल्प करेगा. ठीक है, कैसे हेल्प करेगा बताएंगे बाद में. क्वेश्चन पे हम समझा देंगे कि कैसे हेल्प करेगा, ये उसको याद रखिएगा आप लोग. अभी फिलहाल देखते हैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम बना सकते थे. यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ये रूट है, सब चीज सही है. आर वन का वैल्यू एक्स रख देंगे, आर टू का वैल्यू कितना रखेंगे? डी माइनस एक्स. और बस एक गलत है, अभी जस्ट दिखा हमको कि ये क्यू टू लिखाएगा. चलो उसको देख लेते हैं. अब एक चीज देखना, अंडर रूट क्यू वन अपॉन क्यू टू ये कितना था? एक्स डी माइनस एक्स. तो ये हो जाएगा क्यू टू क्यू वन डी माइनस एक्स अपॉन एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन एक्स माइनस वन. तो डी अपॉन एक्स कितना हो जाएगा आपका? एक्स हो जाएगा आपका अंडर रूट क्यू वन इंटू डी डिवाइडेड बाई, इसको नोट कर लो, ये एक्स का वैल्यू आ गया हमारा. ठीक है, कितना डिस्टेंस होगा? डायरेक्ट अगर कभी कैलकुलेट करने का है तो आप इस पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो. और वो जो रिलेट कर रहे थे हम लोग उसको भी देख सकते हो, वो रिलेट भी बताता है आपको और ये भी बताता है. नोट करिए जल्दी. हो गया नोट. तो ये केस देखें कब हम लोग, जब दोनों चार्ज सेम साइन का रहेगा. ठीक है, अब डिफरेंट साइन ले लेते हैं हम लोग चार्ज का. चार्ज का कौन सा साइन लेंगे? डिफरेंट साइन लेंगे. या इसमें पहले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. देखो मान लो 4 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है और 36 माइक्रोकूलम का ये चार्ज है और 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. ठीक है, और इसमें भी वही चीज कहना है कि थर्ड बताइए हमको चार्ज का पोजीशन जहां हम ऑब्जेक्ट को रखें या चार्ज को रखें तो उस पर कोई फोर्स फील ना. देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं. ऐसे तो हमारे पास एक्स का वैल्यू है, जैसे इसको कैलकुलेट कर सकते थे हम लोग. एक्स का वैल्यू कितना था? क्यू वन डी ऐसे कर सकते थे कैलकुलेट. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, 4, 4 और 36 कैलकुलेट हो जाएगा आराम से. कितना हो जाएगा इसका? दो और 2 प्लस 6 तो 2 से ये 4 टाइम है, 4 से ये 15 टाइम है. 15 सेंटीमीटर किस तरफ से? तो 15 सेंटीमीटर इस तरफ से.
यानी ये चार्ज जो है ये 15 सेंटीमीटर इधर रखा है, ठीक है, और ये 45 सेंटीमीटर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता है। एससी वर्मा का एक क्वेश्चन था, डेटा देख लेंगे हम लोग उसको, उसमें इस चार्ज को भी फाइंड आउट करने का था। अब वैसा तो फॉर्मूला नहीं है, अगर हम अप्लाई भी करें तो देखो प्रॉब्लम क्या होगा, इसको हटा दो पहले, यहां क्या लिखते हैं। देखो हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, मान लो इसको x, इसको d / x दिया था ना हमने, ठीक है, क्या अप्लाई किया था, ये x का स्क्वायर d - x का स्क्वायर q कैंसिल हो गया, क्यू कैंसिल हो गया, तो मतलब ये है कि क्यू तो यहां दिख नहीं रहा है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उस केस में हम इसको इक्विलिब्रियम में ना रखकर किसी और पॉइंट पर, मतलब बहुत इक्विलिब्रियम में है ही, किसी और पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो करें, क्योंकि अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब कि इसका भी नेट फोर्स जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा और इसका भी जीरो होगा, ठीक है। तो वैसे करेंगे हम लोग, मान लो क्यू निकालना रहे तो कैसे करेंगे, देखो तो हम निकाल मानते हैं कि फोर्स ऑन 4 माइक्रोकुलम इक्वल्स जीरो, कैसे उसको देख लेते हैं, किसी एक पर भी कैसे होगा तो समझ में आ ही जाएगा, क्यू का वैल्यू भी हमको मिल जाएगा। तो करो इसे फोर्स निकालो, क्या आएगा, के इंटू 4 माइक्रोकुलम सेंटीमीटर है तो 10^-2, के इंटू 36 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाई 0 क्यू प्लस किए, वो भी अभी आपको समझ में आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा तो फिर से उसको हम लोग देख लेंगे। तो 4 माइक्रोकुलम कैंसिल, के से के कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, 15 का स्क्वायर उधर 60 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 4 बार में कटता है, 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं समझे, ये 15 × 15 और ये 60 × 60 है ना, 15 से 4 बार में फिर 15 से 4 बार में 16 हो जाएगा, 4 से 4 बार में 4 से 9 बार में, तो चार्ज कितना आ गया, -9/4 माइक्रोकुलम। अब देखो कैसे इसको समझा, इस पॉइंट पर हम चार्ज निकाल के कारण फोर्स निकालते दोनों के कारण, क्योंकि हमको क्यू का साइन तो नहीं मालूम था, ये भी आउटवर्ड आ रहा था इसके कारण, और इसके कारण जो आ रहा था वो भी आउटवर्ड आ रहा था, और हमसे कहा गया है कि ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो हम इसी कारण से दोनों के सम को जीरो किए थे, तो उससे हमको क्यू का वैल्यू मिल गया, और क्यू का वैल्यू कितना आया, -9/4 माइक्रोकुलम। यानी कहने का मतलब द थर्ड चार्ज मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन, ये दोनों पॉजिटिव तो तीसरा क्या होना चाहिए, निगेटिव, द थर्ड चार्ज मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन, अगर दोनों माइनस होता तो तीसरा प्लस होता, दोनों प्लस है तो तीसरा माइनस आया है,
अगर दोनों माइनस होता तो दूसरा प्लस होता। नोट करिए इसको जल्दी से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा और जल्दी भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कैसे, ये तो हो गया, आप लोग सॉल्व भी कर लिए, चार्ज का वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट किए, और ये भी। इस टाइप के अभी क्वेश्चन केसी वर्मा में भी हैं, हमने पहले भी बोला था, आप वहां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 एकदम डिटो इस पे है, बस वो चार्ज का वैल्यू कुछ अलग अलग है, आप तो देख सकते हैं। देखो उसको कैसे ओरली भी और सॉल्व किया जा सकता है, ये थोड़ा सा काफी इजी डेटा है, इसलिए इसको ओरली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमने भी जस्ट लिखवाया था कि मान लो इसको डिस्टेंस आर वन, मान लो इसको आर टू मान लो, और ये रिजल्ट आया था हमारा, है ना। तो कितना हो गया, ये था 4, इसका वैल्यू तो 2 हो जाएगा, 36 का 6, तो डिस्टेंस मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ 1:3, डिस्टेंस मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ 1:3, क्लियर है। तो पूरा कर लो ना, 3 और 1 कितना हो गया 4, टोटल डिस्टेंस कितना 60, यानी ये पूरा 4 और 60 यानी 50। अरे ऐसे ही करते हैं ना डिस्टेंस निकालने के लिए, अगर इंटरनल रेशियो रहता है तो 15, तो ये 15 और ये कितना होना चाहिए 45। देखो 1:3 रेशियो करना क्या है, 3 और 1 4 किए, उससे डिवाइड किए, इसको 15 आ गया, 15 बाय 15 15 3 45। और हम पहले ही बोले हैं कि चार्ज हमेशा किसके करीब रहेगा, छोटे वाले के, तो 50 से 45 हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हाँ अगर थोड़ा टिपिकल रहे डेटा जहां रूट ब्रेक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको हमने फॉर्मूला लिखा है अभी है डिस्टेंस का, Q1D अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, ये भी है हमारे पास, ऐसे भी है, जैसे सॉल्व करो वो भी सही है, भी सही। और चार्ज निकालने के लिए क्या करना होता है, किसी एक पे 0 कर दो, अदर देन क्यू को छोड़कर, आइदर इस पे करो या इस पे करो, आपका आंसर आ जाएगा जैसे यहां आया, और वो चार्ज हमेशा अपोजिट साइड आएगा जो दो चार्ज आपको गिवन होगा। अगर मान लो 2 प्लस है तो तीसरा माइनस आएगा, 2 माइनस है तो तीसरा प्लस आएगा, क्लियर। चलो तो ये तो अभी फिलहाल हमने सेम साइन का देखा, अब हम लोग देखेंगे जब अपोजिट साइन होता है, यानी व्हेन द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन। व्हेन द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन, चार्ज अगर अपोजिट साइन का हो तो क्या होगा, मान लो ये Q1 और Q2 है, मान लो ये माइनस में है और ये प्लस में है, और ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, फिर वही सवाल, क्या जो तीसरा चार्ज है वो इसके लाइन ज्वाइनिंग पे रखा जाए या कहीं डिफरेंट जगह पे रखा जाए, ये सवाल हम लोग को पहले सोचना होगा। मान लो चार्ज जो है इसके लाइन ज्वाइनिंग पर ना रखते हैं हम, मान लो चार्ज इसके लाइन ज्वाइनिंग पे नहीं रखते हैं, कहीं और रखते हैं, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इधर आएगा इसका रिजल्टेंट, जो कि ये बता रहा है कि नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा, तो फिक्स हो गया कि चार्ज सेम साइन का हो या अपोजिट साइन का, जो तीसरा चार्ज पुट करेंगे वो इन उनके लाइन ज्वाइनिंग पर ही होगा, लाइन ज्वाइनिंग के अलग नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम ये तो फिक्स हो गया, थर्ड चार्ज
मस्ट बी केप्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग क्यू वन एंड क्यू टू, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग किसके, क्यू वन और क्यू टू के, वेदर दीज आर ऑफ सेम और अपोजिट साइन, सेम साइन का हो या अपोजिट साइन का हो, ठीक है। लेकिन अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अपोज मतलब बाहर रखे या इसके विदिन रखे देखें, और किसकी तरफ, Q1 की तरफ या Q2 की तरफ। चलो एक चार्ज यहां रखकर देखते हैं क्या होगा। ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब F1 भी इधर और F2 भी इधर, और ऑब्वियस है कि इसका रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएगा। तो चलो अब इसके बाहर रखते हैं, इधर रखते हैं, चलो इधर रखते हैं क्यू, ठीक है। ये डिस्टेंस एक्स, ये आर, ये डी अगर गिवन है तो ये डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा हमारा, d प्लस एक्स, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, d प्लस एक्स, ठीक है। तो अब निकालते हैं इसका वैल्यू हम लोग, देखो तो फिर यहां पे करना क्या है, पहले इसका फोर्स पहले चेक कर लो, तब तो वैल्यू निकालेंगे। पहले तो ये चेक करना होगा ना कि यहां पे नेट फोर जीरो होगा भी या नहीं। ये एफ वन इसको रिपेल करेगा, चलो ठीक है, चार्ज वन के कारण जो एफ1 लग रहा है वो रिपेल कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, जीरो हो सकता है क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में ना होके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वैल्यू इक्वल हुआ तो ये जीरो हो जाएगा। चलो इक्वल करते हैं, ये हो जाएगा d प्लस एक्स का स्क्वायर क्यू एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ये हुआ। अब बताओ ये d प्लस एक्स एक्स से बड़ा है, यानी d प्लस एक्स अपॉन एक्स एक से बड़ा है, यानी अंडर रूट क्यू वन बड़ा है अंडर रूट क्यू टू से, कहने का मतलब कि चार्ज बड़ा है क्यू वन क्यू टू से। तो फिर वही बात हो गया कि जो हम तीसरा चार्ज रखेंगे वो हमेशा छोटे चार्ज की तरफ होगा, बड़े चार्ज को मतलब नहीं, पहले भी हमने देखा यहां भी हमने देखा, तो हम लिख देते हैं थर्ड चार्ज विल ऑलवेज केप्ट नियर द स्मॉलर चार्ज, नियर द स्मॉलर चार्ज, जो छोटा चार्ज होगा उसी पर रखें, उसी के पास रखेंगे तीसरा चार्ज, ठीक है। ये तो वही बात चार्ज के रखने की, कैलकुलेशन की जहां तक बात है तो ये तो हम लोग नोट कर लिए, समझ ही गए इसको, हम लोग इसको भी डालते हैं। कैलकुलेशन की बात है, क्या कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है d अपॉन एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा अंडर रूट क्यू वन माइनस अंडर रूट क्यू टू बाई अंडर रूट क्यू वन इक्वल्स d अपॉन एक्स, तो x कितना आ गया हमारा, ये हो गया x का वैल्यू, बस थोड़ा सा डिफर है बाबू,
वहां जो हम लोग का प्लस आया था वही चीज यहां माइनस है, ठीक है, जो चीज वहां प्लस आया था वो माइनस है, रिजल्ट सेम है क्योंकि लाने का तरीका सेम है, वो ऑलमोस्ट प्लस माइनस का बस डिफर है, पैटर्न वही है, इसलिए उसको सेम क्या, ऐसा नहीं दोनों सेम मान लेना प्लस और माइनस। नोट हो गया, दो तीन पहला की चार्ज कहां रखना हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, थर्ड चार्ज हमेशा नजदीक होगा किसके, जो छोटा चार्ज हो जो भी हमेशा, और कारण भी है फोर्स जो होता है वो चार्ज के डायरेक्टली और डिस्टेंस के इनवर्सली होता है, अगर चार्ज छोटा होगा तो डिस्टेंस छोटा ही करना पड़ेगा हमको फोर्स के लिए, क्योंकि डिस्टेंस जितना छोटा फोर्स उतना ही बड़ा, तो ये तो सिंपल सब कंडीशन है कि क्यों ऐसा होता है। मान लो ठीक है 60 सेंटीमीटर यहां में डिस्टेंस, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है कि तीसरा चार्ज कहां रखा जाए, तो बहुत इजी है, तीसरा चार्ज यहां रखेंगे हम Q2 फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, Q का डिस्टेंस का क्या था, कर लो √3। चार्ज को हमेशा साइन के साथ नहीं लिखना है इसमें, चार्ज हमेशा किसके साथ रखेगा, मैग्नीट्यूड, वी विल यूज चार्ज विदाउट इट्स साइन, क्योंकि हम फोर्स के फॉर्मूले में कभी भी साइन नहीं लिखते हैं, और जब फोर्स वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तब साइन लिखेंगे, वो हम लिखवा देंगे छूट गया उसे लिखवा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 60 3 -1 2 से 30 बार में 90 सेंटीमीटर। नोट कर ले, ठीक है, हो गया, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसी और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है, उसको देखते क्या इसका आंसर आ सकता है। कह रहा है ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, यहां चार्ज क्यू है, यहां चार्ज टू क्यू है, डिस्टेंस डी है, कह रहा है तीसरा चार्ज कहां रखा जाए, ऑब्वियस है कि क्यू के बगल में रखेंगे तो कंफर्म है, डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट है, यहां ये क्यू वन हो गया हमारा, एक था फॉर्मूला √Q √2Q, रूट क्यू इनमें कॉमन लिया जा सकता है, अब थोड़ा सा आंसर मिला लिया जाए ऐसी वर्मा का, रेशनलाइज ऐसे भी कर रहे हो, ऐसी वर्मा का आंसर मतलब नहीं रेशनलाइज करना होगा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, यानी दो में से क्या एक यानी रूट टू माइनस वन इंटू डी, ये हो गया एक्स का वैल्यू। क्लियर है? तो हमको डिस्टेंस तो मिल गया, फिर वैसे ही हमको कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है कि चार्ज क्या होगा। मान लो यहां चार्ज रखे थे एक का फोर्स इधर एफ वन इसके कारण, और फिर इसके कारण इस पर फोर्स एफ टू, दोनों को का सम जीरो कर लो, तो एफ वन प्लस एफ टू को जीरो कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। तो फिक्स की चार्ज तीसरा जो होगा वो हर हाल में अपोजिट नेचर को, फिर तो यहां भी हमको मिल ही जाएगा। देखो कैसे, के क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के टू क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर इक्वल जीरो। तो अब यहां से हमारा जो q है वो कितना हो जाएगा, माइनस टू क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, एक्स का वैल्यू डायरेक्ट रख दो, माइनस टू क्यू रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस टू रूट टू मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो दो और एक तीन मल्टीप्लाइड बाय टू सिक्स और टू टू जा फोर, ये रिजल्ट हो गया चार्ज का और वो डिस्टेंस किससे, ये डिस्टेंस कहां से है, तो ये डिस्टेंस किससे मेजर किया गया, क्यू से मेजर किया गया स्मॉलर वाले से। ठीक है, देख लीजिए तो लिखिए ध्यान से जल्दी से। तो ये नोट हो गया आप लोग का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम में जो बातें की थी हमने, अस्टेबल और अनस्टेबल की, समझते हैं इसको, अस्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल। ठीक है, क्या होता है अस्टेबल में, क्या बोला था हमने कि अगर आपको डिस्प्लेस कर दिया जाए आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो आप फिर से उसी जगह पर वापस लौट आइएगा। ठीक है ना, उसको स्टेबल कहते हैं। मान लो ये दोनों सेम चार्ज है तो ऑब्वियस है कि तीसरा चार्ज इन दोनों के बीच में होगा अपोजिट नेचर का, और चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो डिस्टेंसेज दोनों से सेम होनी चाहिए, है ना, तो तीसरा चार्ज इसके मिड में कहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस आर, ये भी आर। ठीक है, अब कहता है इस माइनस क्यू वाले चार्ज को अगर थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया जाए एक्स की तरफ, एक्स डिस्टेंस इस तरफ, तो क्या ये अस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा या अनस्टेबल में। अस्टेबल में तो तब होगा जब ये रिटर्न करना चाहे, और अनस्टेबल कब होगा, जब ये रिटर्न होना नहीं चाहता। इसका फोर्स इस तरफ अट्रैक्टिव, इसका फोर्स इस तरफ अट्रैक्टिव, और नेट फोर्स इस तरफ, नेट फोर्स इस तरफ लगने का कारण क्या है कि दोनों फोर्सेस सेम है और ये दोनों एंगल भी सेम है, तो इस तरफ आया, बताया गया इक्वल एंगल अगर होता है, मतलब इक्वल फोर्सेस होते हैं, इक्वल वेक्टर्स होता है, तो उसके टोटल एंगल का हाफ, तो टोटल एंगल अगर ये थीटा ये थीटा तो ये टू थीटा और हाफ तो थीटा, तो ये नेट फोर्स इधर ही आएगा, ये फिक्स है कि नेट फोर्स इधर ही आना चाहिए। तो जो कि ये बदला रहा है कि हर हाल में ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करना चाह रहा है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये अस्टेबल इक्विलिब्रियम है।
फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है। आप डिस्प्लेसमेंट बाहर की ओर कर रहे थे x और फोर्स इधर लग रहा है, यानी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x है, मतलब ये SHM करेगा, ये चार्ज कैसा करेगा SHM। और इस क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देकर, बताओ कि टाइम पीरियड कब हो क्या होगा जब x बहुत छोटा हो r से, x क्या हो बहुत छोटा हो r से, तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा। तो पहले तो ये पता हो गया हमको कि दोनों फोर्सेस सेम होंगे, ठीक है, और इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा के क्यू स्क्वायर, ये x और ये r, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो दोनों कंपोनेंट्स जो आएंगे इस तरफ f cos थीटा और f cos थीटा, तो जो इधर आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f cos थीटा, वैल्यू रख देते हैं, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है बेस वाई हाइपोटेनस, ठीक है, तो यहां से आपका f कितना आ गया जो कि x के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको डायरेक्शन को अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से अगर बात करें तो f कितना हो जाएगा, डायरेक्शन के हिसाब से बात कर रहे हो, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 2k q स्क्वायर x, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पे पावर 3 बाई टू, x बहुत छोटा है r से, मतलब कि x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर नियर अबाउट r स्क्वायर होगा, तो f कितना हो जाएगा, और हम जानते हैं f होता है माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है, तो यहां से m ओमेगा स्क्वायर हमको मिल जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया आपका 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यू, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यू, तो ओमेगा कितना हो जाएगा इसका रूट, और t को हम लोग कहते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट, उल्टा में ओमेगा कर दो तो आर क्यू ऊपर चला आ जाएगा और 2k क्यू स्क्वायर यहां हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत उसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ पिथ बॉल, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी रहता है उसको जरा देख लेते हैं, फिर इसमें भी कुछ ऑर्नामेंटल्स देखेंगे हम लोग। इक्विलिब्रियम ऑफ पिथ बॉल, मान लो ये दो पिथ बॉल्स हैं जिन पे चार्ज Q1 और Q2 लगा हुआ है और ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मान लो ये लेंथ L है, ये टैन थीटा, ये थीटा है और ये X है, तो ये भी X हो जाएगा, चलो X by 2 कर लेते हैं। तो अब होगा क्या, इस पिथबॉल का कुछ मास होगा
और ये ओवरऑल जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसके कारण ये बैलेंस्ड है। तो पहले कितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको देखते हैं, फिर उनको बैलेंस करेंगे आपस में। एक टेंशन टी एम जी और इधर लग रहा होगा इसका एफ के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर। टी का दो कंपोनेंट इधर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा और इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा। तो बनेगा क्या, टी कॉस थीटा इक्वल होगा एम जी के और टी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, डिवाइड कर दो इक्वेशन टू में वन से, तो टैन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा आपका और कहीं कहीं पे x का वैल्यू भी फाइंड आउट करने दे सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करना होगा कि tan थीटा को हटाना होगा। तो इस यहां से देखिए tan थीटा का, tan थीटा इक्वल्स क्या होगा, ये तो एक फॉर्मूला आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा कि tan थीटा हमेशा क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा tan थीटा क्या होगा, एफ ई अपॉन एम जी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है डिवाइडेड बाई वेट, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई वेट। मान लो कभी कभी एक्स निकालने कहे तो tan थीटा क्या हो सकता है हमारा यहां से, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यही आपका पिथवल जो इस लेंथ पे था वही यहां गया होगा। तो मान लेते हैं ये एंगल बहुत छोटा है और tan थीटा नियर अबाउट sin थीटा है, क्योंकि ये पेंडुलम के अगर मौसम में गए तो यहां आएगा तो ऑलमोस्ट लगभग इक्वल हो जाएगा। तो tan थीटा लगभग बराबर है किसके, sin थीटा के, और sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज x अपॉन 2l। तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, x अपॉन 2l इक्वल्स k q1 q2 अपॉन mg x स्क्वायर। तो x क्यूब कितना हो गया हमारा, k q1 q2 अपॉन 2mgl। तो x कितना हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन 2mgl पावर 1/3। ये लिख लीजिएगा, इसको नोट करिए, आगे अगले क्लास में इसकी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। इसमें अलग अलग कुछ कंडीशंस देखेंगे, जैसे इसको किसी लिक्विड में डालते हैं तो क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स की, सबसे जब इसको स्पेस में लेके जाएंगे या इसमें हम और न्यूमेरिकल्स, सारी बातें होंगी नेक्स्ट के क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और शुभ रात्रि, सबक है।